हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिव टू आई इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है, हमें क्या करना है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए इक्वेशन डेवलप करना है एट अ पॉइंट ऑफ द डाइपोल लोकेटेड एट द एक्सिस। ठीक है, तो एक्सिस क्या होता है, डाइपोल के एक्सिस क्या होते हैं, लाइन जॉइनिंग द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल। डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल के नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को मिलाने वाली लाइन खींच दीजिए, दो दो लाइन होगी वो क्या करेंगे, एक्सिस कर लेंगे। तो देखिए नेगेटिव चार्ज आपका ये है डायपोल का और पॉजिटिव चार्ज ये है, ये दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन ये है ना, ये क्या करेंगे, एक्सिस कर लेंगे। क्या करेंगे, एक्सिस। ठीक है, इस पर कोई पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस क्या बताओ, आर। अच्छा डिस्टेंस हम कौन सा पाएंगे, डिस्टेंस ऑफ डायपोल इज मेजर फ्रॉम मिड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ डायपोल इज मेजर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। डायपोल की जो डिस्टेंस है डायपोल के मिड पॉइंट से मेजर की जाती है, तो मिड पॉइंट ओ है, तो उसे हम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। डायपोल के लिए हम क्लियर लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि मिड पॉइंट से मेजर करेंगे तो एल एल इधर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा। अगर एल लीजिएगा तो आपको फ्रैक्शन में वैल्यू लिखना पड़ेगा, फ्रैक्शन में ना, तो फ्रैक्शनल कैलकुलेशन से बचने के लिए हम लेंथ को क्लियर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक चार्ज हमारा क्या है, माइनस क्यू लोकेटेड बी, एक चार्ज प्लस क्यू है लोकेटेड एट ए, पॉइंट बी मिड पॉइंट ऑफ डायपोल से और डिस्टेंस पर है ना। ठीक, क्या बताओ, डायपोल इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्ज, डायपोल क्या होता है, सिस्टम ऑफ टू चार्ज ना। तो अगर किसी सिस्टम में यंग चार्ज होते हैं तो क्या करते हैं, अगर किसी सिस्टम में यंग चार्ज होता है तो क्या करते हैं बताओ, सिस्टम में अगर यंग चार्ज होता है तो क्या करते हैं, यंग चार्ज से फील्ड निकालते हैं उनका वेक्टर सम कर देते हैं ना। ये सिस्टम में क्या होता है, दो चार्ज है तो दो चार्ज से फील्ड निकालेंगे तो उसका वेक्टर सम कर लेंगे, जो वैल्यू मिल जाएगी वही हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हो जाएगा। हाँ, तो चलिए एक नेगेटिव चार्ज है प्लस टू चार्ज है इस पॉइंट पर फील्ड निकालते हैं, तो ड्यू टू नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज क्या होगा, डिपेंड होगा ना, डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू पॉजिटिव क्यों निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू पॉजिटिव क्यों निकालना चाहते हैं, तो यहाँ एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं, अब टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा और डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगा, तो टेस्ट चार्ज इधर मूव करेगा ए बी के नाम, टेस्ट चार्ज ए बी के नाम इधर हो जाएगा ना। ठीक है, तो इधर अब तो टेस्ट चार्ज जब इधर लगेगा तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएगा, तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू चार्ज आपका क्या होगा, इलाम के बी अब प्रणाम हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डायपोल का जो नेगेटिव चार्ज है टेस्ट चार्ज को खींचेगा इधर चल जाएगा, खींचेगा ना, इसलिए बी से जो फील्ड होगी आपकी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एलम जो लाइन सी बी, एलम लाइन सी बी होगा, ये फील्ड बी हो गया है ना। तो देखिए एक चार्ज से फील्ड राइट है, एक चार्ज से फील्ड गया लेफ्ट है, एक चार्ज से फील्ड राइट है, एक चार्ज से लेफ्ट ना। ठीक है, तो दो अपोजिट वेक्टर है, तो अपोजिट वेक्टर का रिजल्ट कैसे निकालते हैं, मतलब ग्रेटर वेक्टर से इस वाले वेक्टर को माइनस कर देते हैं ना, जो वेक्टर बड़ा होगा उसमें से छोटा वेक्टर माइनस कर दीजिए, आपको रिलेटेड वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रिलेटेड फील्ड क्या हो जाएगी, नेट फील्ड एट पॉइंट ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ई, तो पॉइंट ई पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किससे इक्वल होगा, ई इक्वल टू, देखिए इसमें ग्रेटर वेक्टर कौन होगा, ये ग्रेटर होगा या ये, तो बताओ व्हिच ग्रेटर इज ग्रेटर, व्हिच फील्ड इज ग्रेटर, ये या ये, किसमें, अरे किसमें, यहां पे क्या होता है, पॉइंट ए पर जो फील्ड है ये ई बी, ये इज फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज है, ई बी इज फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज भी, तो ये ग्रेटर और ई बी ग्रेटर, व्हिच इज ग्रेटर, ये ग्रेटर, ये ग्रेटर क्यों है, क्योंकि पी इज क्लोज टू ए, P is close to A and अगर फ्रॉम B ना, तो अगर पॉइंट चार्ज के क्लोज होता है तो इसका क्या फील्ड होती है, अगर होता तो B का फील्ड होती है ना। ठीक है, तो इसलिए ये ग्रेटर देन AB, इसमें ग्रेटर ग्रेटर कौन है, ये है, ये की वैल्यू इसमें से ज़्यादा है, हाँ, इसलिए नेट फील्ड में से निकालेगा, नेट फील्ड होगा ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर के बराबर है, ये वेक्टर माइनस ये वेक्टर ना। ठीक है, अब इसका मॉड ले लीजिए, तो मॉड वेक्टर ये कितना हो जाएगा, मॉड ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस मॉड ई बी हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा ई इक्वल हो जाएगा आपका ई ए माइनस ई बी, अब से वैल्यू रहेगी वेक्टर ई कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज चार्ज एट ए,
अब जैसे ए से फील्ड निकालना है, ए से फील्ड निकालने के लिए अगर एक चार्ज ले लेंगे तो ए पर कितना चार्ज है बताओ, पॉइंट ए पर कितना चार्ज है, पॉइंट ए पर चार्ज कितना है, पॉइंट ए पर हां पॉइंट ए पर पॉइंट ए पॉजिटिव ना, ये सिंपली करेंगे कि मैंने क्यों हमको चाहिए तो क्यों हो जाएगा अपा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो p का a से डिस्टेंस क्या होगा बताइए, p का a डिस्टेंस ap होगा ना, p का a से डिस्टेंस क्या होगा ap ना, तो ap स्क्वायर ab ठीक है, फिर माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट b, b पर कितना चार्ज है, तो मतलब b पर पॉइंट b पर कितना चार्ज है, नेगेटिव व्हाट चार्ज, मैग्नीट्यूड कितना है, नेचर है पूछ रहा हूं कितना मैग्नीट्यूड है, जैसे क्यू लिखा गया क्यू को मैग्नीट्यूड को बता रहा है, माइनस नहीं बुक बोला जाएगा क्यू बोला जाएगा माइनस टू, क्या बताएंगे करेंगे
ये मिल जाएगा, ले मिले है, जैसे 10 में से 2 माइनस किया ये इतना 10 है, हां और इतना 2 था तो 10 में से 2 माइनस किया तो ये मार्क मिल गया। अगर ये याद है ये याद है तो आप इसे एक माइनस करके नहीं मिलेगा तो और माने से लिया पता है ये डिस्टेंस कितना हुआ आर माने से हुआ मतलब ये हमें पहले बैठने हैं बस मेरी पूरी बिना होता नहीं है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ आर माने से हुआ ना। अब यहाँ पर चलिए ये डिस्टेंस तुम्हारा क्या आर है, इतना क्या है आर, ये डिस्टेंस क्या आया है, ये डिस्टेंस आया है ना, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, देखिए ये डिस्टेंस आप ये है, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से अंतर, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आर माइनस एल के सर, इतना आर हुआ इतना एल हुआ ये कितना होगा, अरे बढ़ रहा है डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़ नहीं रहा है तो ये आर है ये एल है तो बढ़ रहा है तो जोड़ेगी बताइएगा मत करें आर प्लस एल होगा, क्या होगा बताइए आर प्लस एल ना, याद है एल आर प्लस एल, ठीक है इतने समझ रहे, चलिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब देखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन क्या होगा, कॉमन हो जाएगा तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाहर ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 अपॉन ए पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी पी स्क्वायर, ये हो गया ठीक है। चलिए भाई बैठिए तो क्या मिलेगा बताओ, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा कैपिटल ए स्क्वायर हो जाएगा पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना 1 अपॉन एपी, एपी की वैल्यू कितना है एपी की वैल्यू आर प्लस एल, तो आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीपी, बीपी वैल्यू कितना है एपी वैल्यू आर प्लस एल आर माइनस एल, ये आर प्लस एल होल स्क्वायर है ना, तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है एलसीएम ले लीजिए तो आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर, ठीक है तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए तो आर प्लस एल प्लस आर माइनस एल, ठीक है आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ये हो तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो कैपिटल कितना हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, ये आर प्लस आर टू आर हो गया एल प्लस एल टू एल हो जाएगा अपॉन अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है तो कैपिटल ए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 2 आर इनटू क्यू इनटू 2 एल क्यू इनटू 2 एल है अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है तो क्यू इनटू 2 एल एक साथ में ले क्यू इनटू 2 एल पी हो जाएगा, क्यू इनटू 2 एल क्या होगा पी है, तो यहां पी लिख देंगे तो ई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 2r into p upon r square minus l square ये आपका फील्ड है, फील्ड की वैल्यू हो गई e equal to 1 upon 4 pi epsilon naught p into 2p into r 2p into r upon r square minus l square raised to power l square ना, ठीक है। अब चलिए इसका बेटर फॉर्म क्या हो जाएगा, बेटर फॉर्म अगर लिखना चाहते हैं तो बेटर फॉर्म आपका ये होगा वेक्टर ए इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन वेक्टर r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर रेज़ टू 4 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं ठीक है। अब से अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करते हैं तो जैसे एल की वैल्यू क्या होती है बताओ, एल की वैल्यू एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में होता है, एल की वैल्यू क्या होती है एंगस्ट्रॉम ऑर्डर, जैसे तेरे एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है 13.5 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या होती है
10 एक पावर माइनस 10 मीटर होता है ना, तो जैसे एल की वैल्यू क्या होता है, एक्स का ऑर्डर एक्स का माइनस होता है, एल की वैल्यू कितना है 10 एक पावर माइनस 10 मीटर, तो एल स्क्वायर क्या होगा बताओ, एल स्क्वायर 10 एक पावर माइनस 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। अब जैसे एक आर की वैल्यू मानते हैं 2 मीटर है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, तो 10 एक पावर माइनस 20 मीटर स्क्वायर इन नेगलिजिबल इन कंपैरिजन टू 4 मीटर स्क्वायर ना, 4 मीटर की 4 मीटर स्क्वायर की कंपैरिजन में 10 एक पावर माइनस 20 मीटर स्क्वायर क्या नेगलिजिबल है, इसको छोड़ सकते हैं आप है ठीक है। तो इसलिए ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ प्ले करते हैं, एल इज लेस देन आर, सो एल स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, इसलिए ई कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 1/4πε0 ठीक है, 2r * p / ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस जीरो होल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ई इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 ठीक है, 2πr / r रेज पावर 4 ना, तो ई इक्वल हो गया 1/4πε0 ठीक है, 2π/r³ तो दिस इज द मैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट लोकेटेड डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल ठीक है। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड किधर होगा बताओ, डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर वेक्टर ग्रेटर फील्ड ग्रेटर फील्ड ऑफ क्या है ई है, तो ई की डायरेक्शन भी फील्ड की डायरेक्शन तो ई की डायरेक्शन क्या होता है डायरेक्शन ऑफ पी है, डायरेक्शन ऑफ पी जो है डायरेक्शन ऑफ पी दोनों सेम है ना ठीक है। तो देखिए पी आपका लेफ्ट टू राइट है और ई भी आपका लेफ्ट टू राइट है, डायरेक्शन ऑफ ई की डायरेक्शन ऑफ फील्ड बन रही है, इसलिए हम पी पर वेक्टर का लगा देंगे तो वह डायरेक्शन ऑफ ई हो जाएगा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये छोटू कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई छोटू हो जाएगा आपका 1/4πε0 ठीक है, 2p वेक्टर / r³ 2p वेक्टर / r³ ये नेट फील्ड ठीक है। तो दिस फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, दिस फील्ड क्या बोलते हो एक्सिस ऑफ द डाइपोल के अलावा ठीक है। चलिए कॉपी करते हैं।